सामने जो रास्ता देख रहे हैं यह चुनार किला से सीधे यहाँ पर एक त्रिमुहानी है जो कि सीधा रास्ता सिद्धनाथ दरी के लिए चला जाता है और वहीं बाएं साइड वाला रोड अहरौरा होते हुए वाराणसी के लिए चला जाता है और यह एक छोटा सा मार्केट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिद्धनाथ दरी के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत नजारा है और चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिल रहा होगा और यही सीधे रास्ता जाएगा आपका सिद्धनाथ दरी छत्तीसगढ़। ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा है और यही देखिए रास्ता एक है जलेबिया मोड़, काफी घुमावदार है। जब भी इस रास्ते जाए काफी बचा के गाड़ी स्लो में अपना चलाएं। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धनाथ दरी वाराणसी से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहीं चुनार किला से बात किया जाए तो सिद्धनाथ दरी लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर और वहीं लखनिया दरी से सिद्धनाथ दरी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप वाराणसी से चुनार होते हुए अगर आप आ रहे हैं तो आपको रास्ते में चुनार में ही आपको छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां बनते हुए और रंगते हुए आपको कलाकारों द्वारा नज़र आएगा और इसी रास्ते में आगे ही आने पर आपको खोवा मंडी भी देखने को मिलेगा और आगे बढ़ने पर आपको बहुत ही प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप देख रहे होंगे जो कि चारों तरफ आपको पहाड़ भी देखने को मिल रहा होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और आपको बता दें कि चंदौली ज़िला और मिर्ज़ापुर ज़िला, सोनभद्र ज़िला, इन तीनों ज़िलों में आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी रास्ते में आपको एक रेलवे फाटक भी मिलेगा जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे और इस समय फाटक भी बंद है और सभी लोग ट्रेन जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फाटक के पास, वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं, देखते हैं कौन सा इस समय ट्रेन आता है। दोस्तों अगर आप वाराणसी से सिद्धनाथ दरी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको इसी रास्ते में जो कि घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आपको दुर्गा माता का मंदिर भी मिलेगा और आगे ही जाने पर स्वामी अड़गरानंद महाराज जी का आश्रम भी स्थित है। और इसी रोड के जहां पर मैंने त्रिमुहानी से घूमा था सिद्धनाथ दरी के लिए,
उसी त्रिमुहानी से लगभग 2-3 किलोमीटर जाने पर एक रास्ता बाएं साइड से कटा हुआ है जो कि जरगो बांध के लिए भी चला जाता है और वहां पर भी बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। के सामने आप देख रहे होंगे जो कि ये श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ यानी स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का जो आश्रम है उसके लिए चला जाएगा ये रास्ता। और हम लोग को चलना है सिद्धनाथदरी, तो ये देखिए ये सीधे रास्ता सिद्धनाथदरी के लिए जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस आश्रम से सिद्धनाथदरी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं सिद्धनाथदरी के लिए। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबा सिद्धनाथ की दरी। दोस्तों देखिए यही जाएगा सिद्धनाथदरी के लिए। तो दोस्तों देखिए इस समय सिद्धनाथदरी के पास यानी जो एंट्री गेट है वहीं पे एक ये
वाहन स्टैंड है और इसमें मैं ले चुका हूँ, ये देखिए टिकट है 20 रुपये का बाइक का। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको आगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए ये स्टैंड है चार पहिया वाहन, जैसा कि आप देख रहे होंगे दाहिने और बाएं साइड दोनों जगह खड़ा है, और आगे ही दो पहिया वाहन आप सामने देख रहे होंगे जो कि सभी लोग खड़ा किए हुए हैं। तो दोस्तों ये है सिद्धनाथ दरी के ऊपर का नज़ारा, कुछ इस प्रकार है। आप देख रहे होंगे जो कि यहाँ पर एक छोटा सा कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको पानी, नमकीन, कुरकुरे और चिप्स मिल जाएंगे। और दोस्तों सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है, ये वन विभाग उत्तर प्रदेश का, आप देख रहे होंगे जो चेतावनी भी लिखा हुआ है साफ साफ। पर्यटक से निवेदन है कि कृपया झरने के पानी में नहाने स्नान करने का प्रयास न करें, ऐसा करना जानलेवा है। लेकिन ये सब बात कोई समझ नहीं पाता है, वो लोग नहाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्राकृतिक जलप्रपात का नाम सिद्धनाथ बाबा के नाम पर पड़ा, जो यहाँ साधना किया करते थे। यह स्थल स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपने मेरा देखा होगा एक वीडियो लखनिया दरी का, मैंने दिखाया था किस प्रकार सब लोग गंदगी किए थे, उसी प्रकार देखिए हाल यहाँ पर भी है सिद्धनाथ दरी का भी। हमको लगता है कि लखनिया दरी से भी बहुत बुरा हाल है यहाँ का, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। ये देखिए नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये देखिए तो चलिए आगे से भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए और इस समय पानी का भी बहाव काफ़ी तेज है, और सामने ही देख रहे होंगे जो कि छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं। चलिए आपको पहले पीछे लेकर चलते हैं, उसके बाद आपको और भी आगे आपको लेकर चलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। Thank you.
और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि पानी का बहाव काफ़ी तेज है, और मैं तो यही कहूंगा जब भी आप आएँ बस झरने का मज़ा लेने के लिए आएँ, इसमें नहाए ना, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लेकिन तब पर भी सब लोग मानते नहीं हैं। ये देखिए ले चाहती हो कभी बेच दे, दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे जो कि बहाव काफ़ी तेज है, और सामने ही आप देख रहे होंगे जो कि दो लेडीज़ हैं और एक व्यक्ति उन्हें जो झरने का पानी गिर रहा है उसे उस पार कराने की कोशिश कर रहे हैं, और यह बहुत ही खतरनाक है। थोड़ी सी लापरवाही इन लोगों को खतरे में डाल सकती है। चलिए आपको आगे से भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये बियर का कैन, और इधर कहीं भी आपको शराब की भी बोतल फेंके हुए मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये तो लखनिया दरी का भी रिकॉर्ड टूटा हुआ है यहाँ पर गंदगी के मामले में। और हालांकि यहाँ पर मैंने कई जगह देखा, यहाँ पर कुछ भी मनाही नहीं है। आप बाटी चोखा बनाइए, मुर्गा मीट कुछ भी बना के खाइए, और खाने के बाद उधरी फेंक दीजिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों आपको बता दें, जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उससे ज़्यादा खतरनाक है ये, इसलिए कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि इस पानी में नहाएं। आप देख रहे होंगे जो कि झरने का गिरने का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। चलिए आपको आगे से भी दिखाते हैं ये जो झरना का पानी है कहाँ पर यह गिर रहा है।
रहे होंगे सामने पूरा खाई है। ये देखिए इधर भी कुछ नज़ारा कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, देख रहे हैं पूरा एकदम हरा भरा, देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसा ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।